हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल RV कंस्ट्रक्शन में। मैं आपका दोस्त इंजीनियर मनीष राज। आज दोस्तों मैं बताने वाला हूं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के सामने एक प्लान है, हाउस प्लान है, जिसके बारे में मैं बताने वाला हूं। दोस्तों ये प्लान जो है 30 बाई 70 फीट का है, मतलब 30 बाई 70 फीट का ये प्लान है, जिस प्लान में आपको दोस्तों एक जो है 3 बेडरूम और 3 शॉप्स, डाइनिंग हॉल, और जो है आप लोगों को एक अच्छा सा लॉबी जो है प्रोवाइड किया गया है इसमें। तो दोस्तों मैं बताने वाला हूँ, ये प्लाट जो है आपका 30 बाई 30 जो है चौड़ाई है, 70 फीट इसका लंबाई है। दोस्तों इस साइड जो है आप लोगों को नहीं इसमें पड़ा है, जो कि इसका गेट है ईस्ट साइड में रखा गया है। दोस्तों ये भी जो है जिस साइड में आप लोगों को शॉप दिख रही, ये जो शॉप दिख रही है आप लोगों को, ये इस साइड भी रोड है, और जिस तरफ आपको गेट ये दिखाई दे रहा है, इधर भी ये रोड है। तो दोस्तों इन्हीं दोनों रोडों को देखते हुए इस घर का नक्शा तैयार किया गया है, जिसमें आपको 2 बेडरूम पीछे साइड में जो है, ये पीछे साइड में 2 बेडरूम, और इससे अटैच आपको WC एक अपार्टमेंट मिल जाए आपका। आपको जो है ये WC कंपार्टमेंट 4 बाई 6 फीट का है, और ये दोनों बेडरूम आपको 15 बाई 12 फीट के दोनों बेडरूम हैं, जो कि अच्छा स्पेस मिल रहा है आपको दोनों बेडरूम्स में। और ये आपको जो है इस साइड में, ये जो आप लोग देख रहे हैं, इसमें ये स्टोर रूम है, जो भी आप इसमें रखना चाहें, पुरानी चीज़ें या स्टोर करना चाहें, उसे उस पर्पज़ से यूज कर सकते हैं इसे, स्टोर रूम। दोस्तों इसके बाद हम निकलते हैं, यहाँ पे जो है एक विंडो भी दी हुई है इसके बगल में, ये जो आप देख रहे हैं, और इस साइड में भी एक विंडो दी हुई है। और इसके बाद मैं इधर बढ़ता हूँ आगे की साइड में, जो है गेट की तरफ फिर मैं बढ़ता हूँ, तो ये जो आपको मिलेगा दोस्तों, ये ओपन एरिया के लिए, ओपन द स्काई जो है, इसमें एक जाल रखा गया है, ताकि ये जो आप लोग देख रहे हैं बीच में, ये जाल बनाया गया है, जिससे कि आपको प्रॉपर जो है वेंटिलेशन की दिक्कत ना हो मकान में, जिससे आपको जो है वायु और धूप प्रॉपर मिलती रहे। फिर इसके साइड में आप लोग देख रहे हैं, ये जो है टॉयलेट बाथरूम जो है अटैच है इसमें। इसके बाद इस साइड में आपको ये किचन मिलेगा आपको 10 बाई 10 का। इसके बाद तुरंत मैं आगे बढ़ता हूँ, तो आपको ये हॉल मिल जाएगा एक 12 बाई 10 फीट का, जिसमें ये आपको एक विंडो लगी मिलेगी सामने, और ये डोर है। और इसके इस साइड में भी आपको एक बेडरूम मिल जाएगा 10 बाई 12 फीट का, जो कि आपको स्पेस के हिसाब से अच्छे से डिज़ाइन किया गया, और इसमें जो है डोर्स भी लगाए गए हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो है आपको मेन गेट हो जाएगा, डी जो है, डी हमारा जो है मेन गेट है ये इंटर करने का। इसके बाद ये पहले जो है हमारा दोस्तों, ये डाइनिंग रूम है, ठीक है दोस्तों, ये डाइनिंग रूम है, जिसको आप लिविंग रूम भी बोलते हैं। इसको इस पर्पज़ से डिज़ाइन किया गया है, इसमें अच्छा स्पेस दिया गया है। ये 15 बाई 10 फीट का जो है डाइनिंग रूम या लिविंग रूम कह सकते हैं, ये है आपका। और इसके बाद ये जो है, मैं तुरंत निकल रहा हूँ बाहर जो है, तो बाहर आपको ये एक स्टेयर मिलेगी। आप लोग देख रहे हैं किस तरह से ये जो है डाइनिंग रूम की साइड से इसका जो हाइट है वो इधर से चढ़ना है। इसके बाद ये आपको यहाँ लैंडिंग मिलेगी पोर्च के पास में, फिर इसके बाद इधर टर्न होके जाना है। दोस्तों ये आपको जो है इसमें एक अच्छा स्पेस मिल जा रहा है। और इसके बाद ये गाड़ी पार्किंग के लिए यहाँ पे जो है पोर्च एरिया जो 10 बाई 9 फीट का प्रॉपर मिल रहा है मुझे, एक अच्छा गेट यहाँ पर जो है 10 फीट चौड़ाई का एक गेट लगा सकते हैं हम इसमें। दोस्तों ये रहा हमारा जो है मकान का पोर्शन, और इसके साथ ही में ये जो है पास में आपको WC एक प्रोवाइड किया गया है, वेस्ट कंपार्टमेंट, जो भी गेस्ट जो भी रहेंगे आपके दोस्तों,
वो मतलब कि अंदर बनाया गया है, तो इसलिए एक WC जो है बाहर भी बना दिया गया है, जिससे कि जो भी गेस्ट आते हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। जो भी कुछ गेस्ट होते हैं जो कि मैं अपने घर के अंदर नहीं एंट्री करा सकता, जिसकी वजह से इसको बाहर बना दिया गया है। अभी कुछ भी करना है तो आप बाहर कर सकते हैं। और ये स्टेयर, इसके बाद में दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो है 3 शॉप बनाई गई हैं, 10 बाई 10 की जो है 3 शॉप्स हैं दोस्तों। और ये यहाँ पे जो रेड प्रोजेक्शन साइड में दिख रहा है, ये आपका जो है छज्जा है। ये तीनों छज्जा है, 2.5 फीट का छज्जा दोस्तों ये निकला हुआ है इसमें। बस दोस्तों एक मिस्टेक हुई है, जो इसमें डिस्टेंस नहीं अंकित की गई है। तो दोस्तों ये रहा हमारा हाउस प्लॉट या प्लान कह सकते हैं दोस्तों, जिसमें आपको मैंने दिखा दिया है, जो आप लोगों को यदि कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो बता सकते हैं। और यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यदि आप भी अपने घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आप भी अपने मकान का नक्शा बनवा सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।